नवानगर और राजपुर इलाके में बने खनन चेक पोस्टों पर जिला अधिकारी के कड़े निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई में 11 ट्रकों को खनन विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया। जिस जमीन का उपयोग ट्रकों को खड़ी कर मंडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उस जमीन मालिक पर भी FIR दर्ज की गई। सभी ट्रकों पर लगभग कुल 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बेगूसराय में 12 साल की बच्ची को जमीन विवाद को लेकर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा पंचायत के वार्ड 14 की है। बताया जा रहा है कि स्वर्ग राम लगन यादव की 12 साल की बेटी को उसके पड़ोसी सिकंदर यादव ने पेड़ उखाड़ने का आरोप लगाकर पहले पिटाई की और फिर उसे केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया, जिसके बाद तुरंत गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सारण में 3 दिन पहले दारोगा रवि रंजन हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह अप्राकृतिक यौनाचार बताया है। इस मामले में पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, इनमें 2 नाबालिग हैं। बिहार में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो गए हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को धता बताते हुए दिन दहाड़े लूटपाट और मर्डर की घटनाएं हो रही है। ताजा मामला सीतामढ़ी जिले का है। यहाँ अपराधियों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के घर भीषण डांका डाला और कैश और जेवर समेत करीब 5 लाख की संपत्ति लूट ले गए। बेगूसराय में देर रात अपने खेत में सो रहे एक बुजुर्ग की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन पुलिस से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रिम्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही अनीशा झा नाम की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वो रिम्स के फार्मोलॉजिकल से PG कर रही थी। अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और पिछले 3 साल से वो अपने पति मयंक झा के साथ पुंदांग स्थित सिल सिटी फ्लैट में रह रही थी। दुमका ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यायालय प्रभारी पदाधिकारी 2 संताल परगना बंदोबस्त कार्यालय दुमका के पेशकार राजीव कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वो जमीन के दस्तावेज में नाम चढ़ाने के लिए रुपए ले रहे थे। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ पंचायत के मतनाग जंगल के पास बम फटने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का इलाज नजदीकी चिकित्सक से कराया गया, जिसके बाद महिला वापस अपने घर चली गई। बता दें कि पांकी थाना इलाके में जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए बम रखा गया था, जिसका शिकार एक महिला हो गई। खूंटी शहर के बड़ा एक टोली में एक 15 साल के किशोर ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना खूंटी थाना को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक पड़ताल करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तालझारी थाना क्षेत्र के मश्कलाइया गंगा नदी घाट पर 5 साल के एक बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। वो अपने 7 साल के भाई और गांव के अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए गंगा घाट गया था। नहाने के दौरान ही वो डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण काफी संख्या में गंगा घाट पर पहुंचे। यहां लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया।